हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्क्स एंड ब्रूस। पर आज मैं आपको हनी मस्टर्ड ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी एंड हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन प्रेस कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। हनी मस्टर्ड ग्रिल्ड चिकन के लिए हमें 4 टेबलस्पून हनी चाहिए, 4 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टेबलस्पून। हनी में हम मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। अब ऑलिव ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। लेमन जूस, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये 4 बोनलेस चिकन पीसेस है, इसको हम एक फोर्क की हेल्प से ऐसे पोक कर देंगे ताकि जो भी मसाला है वो सब इसके अंदर अच्छे से घुस जाए और अच्छे से मैरिनेट हो सके। ये जो मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसको हम चिकन पीसेस में डाल देंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चिकन को हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम थोड़ा सैलड बना लेंगे। अब ये क्यूकम्बर को हम एक पोटैटो पीलर की हेल्प से ऐसे स्ट्राइप स्टाइप डिजाइन कर देंगे। अब एक नाइफ लेकर इसको हम ऐसे स्लाइटिंग वेज में कट कर देंगे। इसमें कितने अच्छे डिजाइन्स बन गए हैं। अब गाजर को भी ऐसे ही ऐसे स्ट्राइप स्ट्राइप डिजाइन कर लेंगे। अब गाजर को भी ऐसे स्लांटिंग वेज में काट लेंगे। प्याज को ऐसे गोल गोल डिजाइन में काट लेंगे। एक पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम होने के बाद बटर डालेंगे। मैं यहाँ ग्रिल्ड पैन यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस को एक एक करके डाल देंगे। बचे हुए मैरिनेटेड मसालों को हम चिकन के ऊपर डाल देंगे ताकि चिकन और जूसी बने। चार मिनट बाद हम चिकन के पीसेस को टर्न कर देंगे। कितना सुंदर ग्रिल मार्क्स आया है। अब हम इसको लो फ्लेम में कुक करेंगे जब तक चिकन गल नहीं जाता। चिकन को कुक होते हुए काफी देर हो गया है। अब हम एक फोर्क की हेल्प से इसे पोक करके देखेंगे। ये इसमें अच्छे से घुस रहा है, ये अंदर तक अच्छे से पक गया है। अब थोड़ा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे चिकन पीसेस के ऊपर। हनी मस्टर्ड ग्रिल्ड चिकन सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको रायता की रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो जरूर चेक करें।